नीचे लगी। यहाँ पर देखते हैं कि फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पर आग पर काबू पाया जा रहा है और बड़े बड़े परिसरों की नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 70 काफी बोरियों में नुकसान हो चुका है और जो यहाँ पर सूखे थे हो चुके हैं क्योंकि किसी के थे। सिलेंडर तो नहीं जो उफड़ी में ऊपर जो ये तार जा रही है ना, तार में उस पर किंग हुई पहले। अच्छा, पहले उसमें फिर जो उफड़ी की फूल थी आग लगी। अच्छा, ये सारी जो उफड़ी जल गई एक ही तरफ आग लगने की वजह से। फिर क्या नाम है, कट्टों में आग बढ़ गई। अच्छा, आपकी दुकान का नाम क्या है? लंबा ट्रेडिंग। तो ये स्पार्किंग किस टाइम हुई थी? स्पार्किंग ये अभी करीब 15 मिनट पहले। तो जो गाड़ी थी जो फायर ब्रिगेड गिर गई, मौके पहुंच गई एकदम? हाँ, मौके पहुंच गई, उसी टाइम पहुंच गई। फोन किया था या अपने आप आई थी वो? नहीं, फोन किया था। फोन किया था? कितना नुकसान मानते हैं यहाँ पर? नुकसान जी क्या, देखो सारा कट्टे, कितने कट्टे होंगे? कट्टे तकरीबन कम से कम 2000 कट्टे करीब होंगे। जो बरदाना है वो भी काफी जल चुका है। बरदाना ये गांठे जल चुके हैं, 3-4 गांठे हैं वो जल चुकी हैं। वो सारी अपनी है, सारी अपनी थी। काफी नुकसान हो चुका है। तो नुकसान जमींदार का रहेगा या आपका रहेगा? अपना रहेगा जी, आपका रहेगा। नहीं नहीं, मैं तो दुकानदार हूँ, पड़ोसी हूँ। अच्छा, पड़ोसी हो। हाँ, तो जिस टाइम आग लगी उसमें आप कहाँ थे? हम तो बाहर गए हुए थे ट्रॉली का कांटा करवाने। हमने तो धुआं देखा तो एकदम भाग के आए, सारी पब्लिक आ गई और अग्निशमन भी आ गए। तो क्या कारण मानते हैं इसका? आग का कारण तो फिर ये मालिक ही बताएंगे क्या कारण हुआ है। बिजली की स्पार्किंग हुई है, लंबा ट्रेडिंग वाले। तो काफी स्पार्किंग ज्यादा थी बस। ये देखो, ये थे मौके पे। हमें तो किसकी मानते हैं? लापरवाही है, लापरवाही तो झोपड़ी की है जी। ना, मैं झोपड़ी लगी हुई है। क्या झोपड़ी ये वैध है या अवैध है? अवैध है, बिना परमिशन के लगी हुई है। सही बड़ा। तो ये जैसे तार है, तार लगी अगर झोपड़ी में, अगर नॉर्मल खोखा होता, लोहे का होता, तो ये आग नहीं लगी होगी। जी जी, ये जो पोलिथीन वगैरह लगा रखे हैं, दुगर्द पराली लगा रखी है, इस वजह से आग बढ़ रखी है। अगर ना होती तो शायद नहीं होता, शायद नहीं होता यार। स्पार्किंग होती रहती है मंडी में, कितना बारदाना पड़ा है, कितना माल पड़ा है। और मार्केट कमेटी के पास 4-4, 5-5 फायर ब्रिगेड अवेलेबल होती हैं, बट समय पे एक भी नहीं हो पाई। एक ही फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से थोड़ा काबू किया। आप देख रहे हैं अभी ये काबू नहीं आई है। अभी फायर ब्रिगेड पानी लेने के लिए गई हुई है। क्या बनेगा उन 5-5, 4-4 फायर ब्रिगेडों का? एक ये बेचारा चाय बेचकर यहाँ गुजारा करता था। किसकी मानते हैं? विभाग की लापरवाही मानते हैं। जो की मानते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड की, तो मार्केट की मंडी विभाग है, वो क्या कर रहा था? वो भी लापरवाह है बिल्कुल। जब मार्केट की व्यवस्था की देखभाल तो मार्केट होती है, वो कहाँ पे था? वो इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता। आग
के अंदर बैठे थे तो ये बिजली उपकरण का लापरवाही है तो निश्चित आ रही है। हम तो ये कहना चाहवा जी इनका भरपाई देखो और जी है बिजली कर्मचारी से थोड़ा चीज विभाग यहाँ तार ऊपर किया जाए तो पहले भी कभी शिकायत दी है बिजली विभाग को करी है जी कई बार करी है लेकिन कोई शिकायत कोई मतलब कोई वो नहीं हो रहा जी आपका समाधान कुछ नहीं लफड़े में रहे बिजली वाले बिल्कुल लापरवाही सारी दिल्ली छोड़ रखी है सारी दिल्ली है जी सारी और ये देखो पुराने घुमाओ कैमरा एक बार कितना नुकसान हुआ फॉल्ट हो चुका था तार में फॉल्ट हुआ बताया सही बता रहे फॉल्ट तार में हुआ। दुकान में कितना सामान था लगभग 50,000 रुपए का लगभग सामान था जी मेरा नुकसान हो गया सब काउंटर वगैरह रह गया अलग ये सभी मैंने खुद चोट रखा थी इसलिए अब क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से इस बात जो सही होना चाहिए जो कुछ है इसका गरीब मारो रिया जी अब बताओ आप इनो बताई इसकी तो गरीब मार है इसका कुछ समाधान होना चाहिए बेचारा का इस मंडी वाला का किस तरह का समाधान होना चाहिए इसमें जो दंड हो रहा है इसका ये तो पूछाना मिलना चाहिए लेकिन साथ में बोरियां भी तो बहुत जड़ी हैं बोरियां का मिलना चाहिए वो भी तो वो है ये बणिया का काम करे बणिया का बणिया ने जब पैसा मिलेगा जब बणिया का बाढ़ आगे उठ देगा बणिया का भी गेला कटतू है इसमें तो गलती किसकी मानते हैं आप अब मौके पे मौजूद थे गलती तो ये लाइट ठीक नहीं कराती उसकी है अच्छा गवर्नमेंट की है जो ये लाइट ठीक नहीं हो रही है गलती तो यह है इसकी वजह से ही होया सारा मामला इसकी वजह से सारा काम होया है का फॉल्ट है ये मार्केट ये बिजली बोर्ड की लाइनिंग नहीं है मार्केट कमेटी के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग है उनके कारण से अगर हादसा हो रहा तो उनका हादसा पाएगा सही है बिजली बोर्ड की लापरवाही नहीं मार्केट कमेटी का एक टेंडर होता है उसके तहत ये लगाई गई थी उनकी स्ट्रीट लाइटिंग की तार उनकी स्ट्रीट लाइटिंग की तार ठेकेदार है